हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने खड़ी है स्कोडा कोडियाक। ये हमारे सामने आज इसका सेकंड टॉप वेरिएंट खड़ा है। ऑलरेडी मैंने आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट जो एल एन के है वो दिखा रखा है, बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल्ड में स्कोडा कोडियाक के सेकंड टॉप वेरिएंट के बारे में। तो वीडियो को आप जो है डिटेल में देखिएगा, एक एक चीज़ों की जो है डिटेल्ड में बात करने वाले हैं और क्या कुछ आपको टॉप एंड वेरिएंट से कम देखने के लिए मिलता है इनमें, उन सारी चीज़ों की भी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप पूरा देखना। चलिए अब शुरू कर लेते हैं इसके एक शोरूम प्राइस से। ये वाला वेरिएंट की बात करें तो ये हमारे सामने स्पोर्ट लाइन वेरिएंट है जो कि कॉस्ट करता है एक शोरूम 13,92,000 रुपीज़। ऑन रोड के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, या फिर कोई और कलर भी देखना हो कोडियाक का तो वो भी जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आइए अब देख लेते हैं की में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। की की बात करें तो की आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तीन बटन्स मिलेंगे लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक करने के लिए। वैसे इलेक्ट्रॉनिक गेट आता है इसके अंदर तो की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं। कार के अंदर आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलते हैं जो कि टच बेस्ड हैं। की कभी जरूरत नहीं पड़ती, की आपकी अपनी चाबी जो है जेब में ही रखी रहती है और काम हो जाता है। पीछे आपको टिपिकल स्कोडा का लोगो मिलेगा। दूसरी वाली की थोड़ी सी प्रीमियम मिलती है क्रोम फिनिश के साथ, दूसरी वाली की नॉर्मल आती है। की में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। आइए अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट से क्या कुछ मिलता है फ्रंट से बात करें तो फ्रंट से पूरी कार जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। पियानो फिनिश पे बड़ी सी स्कोडा आइकॉनिक ग्रिल है। सेंटर में स्कोडा का लोगो मिलेगा। इस वाले वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग कैमरे का ऑप्शन नहीं मिलता है। और बात करें हेडलाइट सेटअप की तो हेडलाइट सेटअप कंप्लीट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। डुअल प्रोजेक्टर सेटअप है जिसमें कि लो बीम आपको यहाँ पर प्लेस की गई है, हाई बीम इस जगह पर मिलेगी, बट दोनों ही LED बेस्ड हैं। यहाँ पर साइड में कॉर्निंग लैंप मिलेंगी। इसमें वॉशर भी आता है, वैसे LNK में भी देखा था। LNK के अंदर भी जो है आपको हेडलाइट वॉशर देखने को मिलता है। फॉग लैंप वगैरह नहीं आती हैं। सेफ्टी में अगर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो आपको 6 देखने को मिलेंगे। को लाइट के अंदर मिलेगी स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग। यहाँ पे नीचे मिलेंगे आपको इंडिकेटर्स और DRL दोनों यही काम करते हैं, बाई फंक्शनल हैं, सिंगल नहीं है। बोनट की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बड़ा सा बोनट है जिसपे कि आपको कुछ इस तरीके से लाइंस देखने को मिलेंगी जो कि थोड़ा सा स्पोर्टी फील कराती हैं। और यहाँ पे प्लेस किए गए हैं आपको इसके दो वाइपर्स, दो वॉशर हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। सिंगल टोन कलर है, गोल्ड टोन कलर का भी ऑप्शन मिलेगा, वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। पूरी कार पे बॉडी ग्लाइडिंग और व्हील आर्चेस आते हैं। आइए अब बात करते हैं अलॉय व्हील्स की। अलॉय व्हील्स की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। सेंटर में स्कोडा का लोगो मिलेगा। आगे पीछे डिस्क ब्रेक आएंगे। ABS CVT जो है स्टैंडर्ड ही मिलता है। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 235/55R18 के अलॉय व्हील्स आएंगे। MRF के टायर्स हैं। अच्छे खासे बड़े साइज़ के जो है आपको व्हील्स देखने को मिलेंगे क्योंकि 4x4 सिस्टम आता है इसके अंदर। वो अंदर जब जाएंगे तब उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। आगे के सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको MacPherson स्टड सस्पेंशन मिलेंगे लोअर ट्रायंगुलर लिंक एंड स्टेबलाइजर बार के साथ। पीछे आपको मल्टी लिंक XL सस्पेंशन मिलेंगे सेम लोअर ट्रायंगुलर लिंक एंड स्टेबलाइजर बार के साथ। और लोअर गार्निश वगैरह नहीं आती है, सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगी। ORVMs की बात करें तो वो आपको पियानो फिनिश में देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डेबल ORVMs हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ। हीटेड फंक्शन नहीं मिलेगा। बी पिलर आपको पियानो फिनिश में मिलेगा। रोफ रेल्स हैं, बड़ी सी फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ। यहाँ पे प्लेस किया गया है आपको इसका शार्क फिन एंटीना। सेम आपको रिक्वेस्ट सेंसर टच वाला जो है आपको पीछे के डोर्स पे भी देखने को मिलेगा। चारों डोर्स पे आता है। पीछे से देखें तो पीछे से कंप्लीट कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। पीछे से इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे LNK जिन्होंने देखी होगी तो उनको तो आइडिया लग ही रहा होगा, बट जिन्होंने नहीं पता मैं उनको फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको रियर वाइपर डिफॉगर दोनों का जो है ऑप्शन देखने मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप इस जगह पर प्लेस की गई है जो कि LED बेस्ड है। वॉशर आपको इस जगह पर मिलेगा। और 4x4 की बैजिंग की बात करें तो आपको इस जगह पर देखने को मिलती है जो कि पियानो फिनिश में है। सेम पियानो फिनिश में कोडियाक की बैजिंग मिलेगी, स्कोडा की बैजिंग है। रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात करें तो वो आपको इस जगह पर प्लेस किया गया है। सेम पीछे भी आपको 6 सेंसर्स मिलेंगे सेफ्टी में। ट्विन एग्जॉस्ट हैं जो कि फेक हैं। मेन एग्जॉस्ट टेल पाइप की बात करें तो वो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, वो आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो कार का वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। डुअल टिप एग्जॉस्ट है, यहाँ से टो करेंगे आप कार को इमरजेंसी में। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स हैं। और टेल लाइट्स की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। LED टेल लाइट्स हैं टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट के साथ। सेम स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की बैजिंग आपको जो है टेल लाइट्स पे भी मिलेगी। स्पॉइलर है। आइए अनलॉक करके देखते हैं बूट। बूट अनलॉक करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है यहाँ पे प्लेस किया गया है, दूसरा ऑप्शन आपको चाबी से मिलेगा, और तीसरे ऑप्शन की बताऊँ तो एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ। एक बार देखो आप किस तरीके से जो है अनलॉक होता है। सिंपली आपको ऐसे जाना है और पैर घुमाना है और गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी इस तरीके से। एंटी पिंच फंक्शन आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ भी जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। यहाँ से आप चाहो तो ऑप्शन मिलेगा यहाँ से बंद करने का, यहाँ से बंद भी कर सकते हो।
फिर से मुझे दोबारा अनलॉक करना पड़ेगा, वो तो मैं आपको डेमो के लिए जो है थोड़ी सी चीज़ दिखा रहा था जो कि अच्छी चीज़ है मुझे लगी। अदरवाइज आप चाहो तो सिंपली इस तरीके से प्रेस कर सकते हो, वो वाला फीचर जब काम आएगा जब आपके हाथ में लगेज वगैरह हो तब काम में ले सकते हो। अब बात करते हैं बूट की, बूट स्पेस की बात करें तो बिल्कुल सेम है जैसे टॉप एंड वेरियंट में आता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। 270 लीटर का बूट स्पेस, अगर आप इसकी सेकेंड रो सीट को फोल्ड कर देंगे तो लगभग आपको यहाँ पे 400 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। अगर आप इसके सेकेंड रो को फोल्ड कर देंगे तो लगभग आपको 1405 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। साथ में पार्शियल ट्रे भी आती है। थर्ड रो सीट में आपको 50-50 स्प्लिट फंक्शन मिलेगा और सेकेंड रो सीट की बात करें तो 40-20-40 का स्प्लिट फंक्शन मिलता है। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, इस स्ट्रैप को खींच के आप जो है सीट को फोल्ड कर सकते हैं और इस वाले पुल को करके जो आप सीट का रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हैं इन वाले बटन्स को इस तरीके से, और पूरी फोल्ड करनी हो तो कम्प्लीटली आप इसको खींच के जो है फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में कुछ ओपनेबल हुक्स दिए गए हैं जिस पे कि आप केजीज वगैरह जो है मेंशन नहीं किया है। 12V का पावर आउटलेट मिलेगा थर्ड पैसेंजर के लिए। यहाँ पे 3-point सीट बेल्ट हुक की गई हैं, सेम यहाँ भी हुक मिलेगा। यूटिलिटी हुक दिया गया है, सेम यहाँ भी हुक है। आइए देखते हैं स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील की बात करें तो वो आपको इस जगह पे देखने को मिलता है। टेम्पररी डोनल टायर है। इसके सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 145, 85 और 18 इंचेस का व्हील मिलेगा, बट इसके सेक्शन की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है अपने जो नॉर्मल फुल व्हील्स आते हैं। और इसके अंदर आपको जो है सबवूफर का भी ऑप्शन मिलता है। कैल्टन का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, उसके बाद जब अंदर जाएंगे तब करेंगे। कार की टोल गेट है। साइड में कुछ स्पेस मिलेगी फर्स्ट एड किट रखने के लिए, अभी फिलहाल इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे एयर वेंट दिए गए हैं, कर देते हैं इसको क्लोज। इस तरीके से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, पूरा फ्लैट बेड बन जाता है जब आप सीट को फोल्ड कर देते हैं। सो बूट में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कर देते हैं इसको क्लोज। चलते हैं राइट साइड में, राइट साइड से देखें तो कंप्लीट कार कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। 4.7 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है जो कि एक लग्जरी एसयूवी के हिसाब से ठीक है। आइए एक बार फ्यूल कैप को अनलॉक करके देखते हैं। जैसे ही सिंगल प्रेस करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। इसमें E5 E10 का सपोर्ट मिलेगा। ये फिलहाल BS6 फेज 2 कंप्लाइंट वाली जो है स्कोडा कोडियाक नहीं है, तो इसलिए इसमें E20 का जो है सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। सो ओवरऑल एक्सटीरियर में मोटा मोटा आपको यही चीज़ें जो है स्पोर्ट लाइन के अंदर देखने को मिलती हैं। आइए अब चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर में देखते हैं आपको क्या कुछ मिलेगा, क्योंकि इंटीरियर इसका पूरा ही डिफरेंट है अगर आप इसको L&K से कंपेयर करोगे तो। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ की क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें तो पूरी ही डिफरेंस देखने को मिलेगी। ऑल ब्लैक ट्रिम आएगी लेदर इंसर्ट्स के साथ, और सबसे बड़ा फिनिश आपको देखने को मिलेगा कि एलकंटारा का एपॉक्सी जो है इसके अंदर यूज़ की गई है एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। आप स्मूथनेस देखिए इसकी फैब्रिक की कितनी अच्छी है, और कार्बन फाइबर फिनिश भी देखने को मिलेगी। एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स मिलेंगे। ट्विटर की प्लेसमेंट इस जगह पर भी की गई है। स्पीकर आपको इस जगह पर मिलेगा। सेम यहाँ पे भी जो है आपको फैब्रिक का यूज़ मिलेगा ताकि बोतल वगैरह जो है आवाज़ नहीं करें। अगर आप अटेंशन टू डिटेल की बात करेंगे तो वो आपको स्कोडा कोडियाक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। स्पीकर सेटअप की बात करें तो आपको 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर और 1 सबवूफर और 1 जो है सेंट्रल स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, तो टोटल आप कर लेना 10 स्पीकर का जो है म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलेगा। पीछे वाले विंडोज़ पे आपको मैनुअल ब्लाइंड भी देखने को मिलते हैं जो कि कुछ इस तरीके से आप हैंग कर सकते हैं अगर धूप वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा हो तो। बट इसके अंदर आपको स्कफलेट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ी सी कमी है। इस प्राइस ब्रैकेट में आपको स्कफलेट मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स की। सीट्स की बात करें तो सीट्स में भी आपको जो है बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सिंगल टोन लेदर अपॉस्टी सीट्स हैं एलकंटारा अपॉस्टी के साथ। वो आप देखिए कितनी ज़्यादा, मतलब आप हाथ से टच करेंगे तो आपको एक एक चीज़ जो है फील होगी कुछ इस तरीके से। आप इस तरीके से इस पर खेल भी सकते हैं अगर आपको मन करे। मुझे सबसे फेवरेट चीज अभी तक की जो लगी वो इसकी सीट्स का फैब्रिक लगा। अदरवाइज L&K से बहुत चीज़ें सिमिलर ही हैं इसके अंदर। और इस वाले स्टेप को खींच के आप जो है सीट कम्प्लीटली फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। कम्प्लीटली सीट फोल्ड हो जाती है, कुछ इतनी फोल्ड होगी, कम्प्लीटली फ्लैट नहीं होती है। फ्लैट जो बात करें तो वो सिर्फ आपकी जो है रो वाली सीट जो है वही कम्प्लीटली फ्लैट होती हैं। 3-point सीट बेल्ट्स आएंगे, प्री टेंशन है, लोड लिमिटर के साथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग्स आते हैं। कहाँ पे आते हैं वो मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। किट को अनफोल्ड करने के लिए मुझे दोनों हाथ यूज़ करने पड़े, इसलिए जो है वीडियो में कट लग गया। और बात करें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स की तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोनों ही सीट्स में जो है एंकर्स दिए गए हैं जो कि एक सेफ्टी में अच्छी चीज़ है चाइल्ड सेफ्टी को बनाने के लिए। एयरबैग की बैजिंग आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी। टोटल एयरबैग की बात करें तो इस वाले वेरियंट में आपको 7 एयरबैग जो है स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं जो कि सेफ्टी में एक और अच्छी चीज़ है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे जो कि आपको कुछ इस तरीके से प्लेस किए गए हैं। फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ की बात करें तो वो कंप्लीट व्यू जो है आपका कार का कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब आपको दिख गया होगा इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर, और वो मैं ड्राइवर साइड सीट पे जाऊंगा ना तभी बात करूंगा, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव फीचर है जो कि आपको स्पोर्ट लाइन के अंदर ही देखने को मिलता है। डोर को कर लेते हैं क्लोज। डोर थर्ड की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से सुनने के लिए मिलेगी। पीछे से कंप्लीट डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है।
आइए अब बात करते हैं स्पेस की। तो सीट ये वाली जो है पूरी कंप्लीटली पीछे है, तो आप स्पेस देखो लगभग आपको कुछ इतना स्पेस जो है इसके अंदर देखने को मिलेगा। सीट के पीछे पॉकेट्स आती हैं, मोबाइल होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। और ये वाली सीट पूरे आगे है, तो आप एक बार स्पेस देखो, मैं एक बार अल्ट्रा वाइड में करके दिखाता हूँ। अब आप देखो स्पेस आपको कितना देखने को मिलेगा, एक बार मैं बैठ के ही दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से जो है आपको आइडिया लग जाएगा। स्पेस देखो मतलब 1 फीट से ज़्यादा का जो है आपको स्पेस इसके अंदर देखने को मिलेगा, अगर आपकी हाइट जो है 5.4 फीट के आसपास है। एक और अटेंशन टू डिटेल की बात करें तब वो आपको तो देखो पैरों में, पैरों में भी एसी वेंट्स दिए गए हैं। एक बार मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, अच्छे से दिखाई देगा। अब आप देखो ये वाले नोजल्स जो हैं एयर वेंट जो हैं आपको पैरों के लिए दिए गए हैं, ताकि पैर भी कूलिंग में प्रॉपर रहें, ऐसा ना हो पैरों में गर्मी लगे। और बात करें तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ भी देखने को मिलेंगी, हाइट एडजस्टेबल ऑप्शन आता है, कोटुक यहाँ पे मिलेगा। LED बेस्ड ऊपर लाइट दी गई है, जो कि अभी ऑपरेटेबल नहीं है क्योंकि कार जो है क्लोज्ड है। स्कोडा की मोस्टली कारों में यही दिक्कत है कि वो जो है जब तक इग्निशन ऑन नहीं होता तो उसकी लाइटें वगैरह काम नहीं करती हैं। सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल, कोटुक आएगा, सी पिलर पे एयरबैग की बैजिंग है, ग्लास भी मिलेगा। और सेम यहाँ पे भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आता है, जैसे LED बेस्ड लाइट यहाँ पे भी दी गई है, बट वो भी ऑपरेटेबल नहीं है। सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल आएगा, कोटक मिलेगा। और फुल साइज पैनोरमिक सनरूफ की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से जो है देखने के लिए मिलती है। एक और लाइट की बात आई गई है तो वो मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ। लाइट आपको जो है सी पिलर पे भी देखने को मिल जाएगी कुछ इस जगह पे। थर्ड पैसेंजर को भी लाइट की कमी जो है इसमें पीछे नहीं होगी, क्योंकि ऑल ब्लैक रूफ है तो थोड़ा सा लाइट की कमी लग सकती है, वो यहाँ पे भी आप देख लो। सो मोटा मोटा पीछे यही सारी चीजें देखने को मिलती है। थर्ड पैसेंजर जो बीच वाला पैसेंजर है उसके लिए भी जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी। आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट पे आपको कुछ इतना स्पेस देखने को मिलता है, अच्छी खासी बड़ी सी आर्मरेस्ट है। 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, छोटा वाला एक और कप इसके अंदर आप जो है स्टोर कर सकते हैं। सो मोटा मोटा इंटीरियर में फुटलाइन वेरिएंट के अंदर यही सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। और कुछ रह गया हो तो कॉमेंट में जरूर पूछना। हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप सेंटर कंसोल देखोगे तो सेंटर कंसोल वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सेम है जैसे टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आता है। टनल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो बीच में बच्चा ही बैठ सकता है, बड़े नहीं बैठ सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और बच्चे को भी थोड़ी देर तक बैठाओगे तो ही अच्छा रहेगा। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आता है, तो आप पीछे वाले पैसेंजर के लिए सेपरेट में जो है टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। 2 AC वेंट्स मिलेंगे, यहाँ से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे बात करें तो 12V का पावर आउटलेट दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आई थिंक सी टाइप होना चाहिए था आज के टाइम के हिसाब से। यहाँ पर छोटी सी डिस्प्ले भी है जो कि वगैरह दिखाती है, यहां से कम ज्यादा करने का टेम्परेचर का ऑप्शन मिलेगा। सो मोटा मोटा यही सारी चीजें थी। आइए आप फाइनली चलते हैं ड्राइवर साइड सीट पे, वहां पे देखते हैं वहां पे आपको क्या कुछ जो है डिफरेंस देखने का मिलता है। डोर हैंडल की बात करें तो सेम आपको बॉडी कलर मिलेंगे, टच बेस सेंसर यहां पे भी दिया गया है, स्कोडा का लोगो मिलेगा ग्लास पे। डोर को अनलॉक करते हैं और डोर ट्रिम की बात करें तो सेम बिल्कुल ऑल ब्लैक ट्रिम मिलेगी, और एल्कंटारा फैब्रिक का यूज जो है आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। व्हाइट कलर में स्टिचिंग है, लेदर का यूज आएगा। ग्रैब हैंडल है, चारों पावर विंडो के बटन्स मिलेंगे, चारों पावर विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन और एंटी पिंच फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। तो चाइल्ड सेफ्टी का कंट्रोल है, ORVM के इंटरनल एडजस्टमेंट है ऑटो फोल्ड के साथ, साथ में हीटेड का भी फंक्शन मिलेगा। मैंने थोड़ा सा वहाँ पे जो मिस्टेक कर दी थी, हीटिंग का नहीं बताया था, यहाँ पे आपको हीटेड ORVM का भी ऑप्शन मिलता है। इस वाले बटन से आप जो है बूट को अंदर से ही ड्राइवर साइड से अनलॉक कर सकते हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। अब बताते हैं एक और अच्छी चीज़ आपको, उसके लिए डोर क्लोज करना पड़ेगा। एक बार आप ज़मीन पर देखना, अब आपको दिख जाएगा। देखो स्कोडा की बैजिंग जो है आपको डोर के नीचे देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम फीचर फील होता है। अगर आप इससे भी ना हो तो अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे साइड में, बारिश के टाइम पे आपको सेपरेट अम्ब्रेला जो है खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आपको स्कोडा जो है कंपनी फिटेड ही ऑफर करती है। स्कोडा का जिस पर लोगो भी देखने को मिल जाएगा, अच्छे खासे क्वालिटी का अम्ब्रेला है, जो कि मैंने पहली बार ही स्कोडा के जो है एंड वेरियंट के अंदर देखा है। और बात करें यहाँ पे 1 लीटर का बोतल होल्डर मिलेगा, ट्यूटर इस जगह पे प्लेस किया गया है, सेम ट्यूटर यहाँ पे भी मिलेगा। मतलब मल्टीपल स्पीकर सेटअप्स हैं। आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, कैंटन की बेजिंग मिलेगी, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स हैं, कार्बन फाइबर फिनिश मिलेगी, एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे भी देखने को मिलती है। कितने आपको ऑप्शन मिलते हैं एम्बिएंट लाइटिंग के, वो आप इंफोटेनमेंट जब ऑन करेंगे तब बात करेंगे। ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट जो है दोनों ही आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ ऑप्शन आती हैं। 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स हैं, जिसमें कि ड्राइवर साइड सीट वाली जो है आपको 3 मेमोरी फंक्शन भी ऑफर करती है। यहाँ से आप जो है सेट वगैरह कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लंबर सपोर्ट बढ़ाना चाहें तो यहाँ से ऑप्शन मिलेगा। रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, आगे पीछे सीट को जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए आपको जो है स्कोडा की स्कफ प्लेट भी देखने को मिल जाती है, पीछे नहीं आती, और यहाँ पे स्कोडा ऑटो की बैजिंग मिलेगी। टायर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मेंशन की गई है। 2 एल्युमिनियम पैडल्स मिलेंगे, डेड पैडल सेपरेट में दिया गया है, जो कि एक प्रीमियम फीचर फील होता है। यहाँ पे कुछ और स्पेस है, एक बार देखते हैं, यहाँ पे कुछ और स्पेस मिलेगी। ऑटोमेटिक लाइट के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको सारे रेन रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। ऑटोमेटिकली कार डिटेक्ट कर लेती है अगर रेन वगैरह हो रही है, तो कार की जो है हाई बीम लो बीम जो है अपने आप एडजस्ट हो जाती है। यहाँ से ओपन करेंगे कार का बोनट, यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड पे भी जो है आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिलेगी।
इंजन स्टार्ट बटन है। जो हाईलाइटेड चीज थी वो ही रही जा रही थी जैसे मैंने बताया था ड्राइवर साइड। अब आप एक बार जो है सीट को देखो, ड्राइवर एंड को ड्राइवर वाली सीट को। आपने एलन क्या देखी होगी तो आप अंदाज़ा होगा कि ये वाली सीट किस लेवल की जो है स्पोर्टी सीट्स हैं। मतलब पूरे पे ही अल्कंटारा फैब्रिक का यूज़ है, साइड में लेदर का यूज़ है, एयरबैग की बेजिंग मिलेगी, यहाँ पे वेंट्स हैं, इंटीग्रेटेड आर्मरेस्ट दिए गए हैं। पूरी की पूरी सीट जो है बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील होती है, मतलब कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल है इसके अंदर। मेमोरी सीट वगैरह के फंक्शन मैंने आपको बता ही दिए, सो कमेंट में बताना सीट्स कैसी लगी। तो सीट्स अमेजिंग है इसकी, इतनी ज़्यादा अच्छी सीट मतलब अभी तक मैंने किसी कार के अंदर जो है नहीं देखी है। हाँ, अब हम इंटीरियर पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं पहले ही इंटीरियर में आ चुका था। इस तरीके से स्पोर्ट लाइन वगैरह की बैजिंग आती है, एलन के में लोगे तो एलन लॉरेन कैलीमेंट की बैजिंग मिलेगी। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं इंटीरियर में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है डैशबोर्ड जो है सॉफ्ट टच देखने मिलेगा, लेदर का यूज़ है, डुअल स्टिचिंग मिलेगी, सेंटर स्पीकर यहाँ पे प्लेस किया गया, यहाँ पे आपको मूर्ति वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक आईआरवी मिलेगा ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ। यहाँ पे बात करें तो वैनिटी मिरर मिलेगा लाइट के साथ, लाइट ऊपर प्लेस की गई, एलईडी बेस्ड लाइट दी गई है। एक बार मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अच्छी विजिबिलिटी के लिए। सेंटर कंसोल की बात करें तो कंप्लीट सेंटर कंसोल जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे इग्निशन ऑन करोगे तो आपकी लाइट वगैरह सारी ऑन हो जाती है, यहाँ से चाहो तो ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। एलईडी बेस्ड लाइट दी गई है, इंडिविजुअली आप ऑपरेट कर सकते हो, और सारी चाहो तो इस तरीके से आप जो है एक बार में जो है पूरी रियर की लाइट को जो है ऑन ऑफ कर सकते हो। सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी और बटन्स मिलेंगे, यहाँ पे सारे माइक के कंट्रोल्स हैं। इधर देखें तो यहाँ पे आपको सेम वैनिटी मिरर मिलेगा, लाइट ऊपर प्लेस की गई है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल है, सेम ड्राइवर वाली सीट पे भी आपको ग्रैब हैंडल जो है देखने के लिए मिलेगा। मोटा मोटा रूफ पे आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ग्लोबॉक्स की। ग्लोबॉक्स देखें तो आपको कुछ इस साइज का देखने को मिला, लाइटिंग कूलिंग दोनों ही ऑप्शन देखने को मिलता है ग्लोबॉक्स में। यहाँ से आप इसकी कूलिंग वगैरह को सेट कर सकते हैं। इस साइज़ का ग्लोबॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक साइज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। बट लॉकेबल का ऑप्शन होता तो थोड़ी सी और अच्छी चीज़ होती। ऊपर वाला पार्ट जो है आप इस वाले बटन से ओपन कर सकते हैं, कुछ इतना स्पेस जो है आपको अपर वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कार के पेपर्स वगैरह हैं, कर देते हैं क्लोज। कार्बन फाइबर फिनिश जो है डैशबोर्ड के अंदर भी देखने को मिलती है। बड़े साइज के एसी वेंट्स हैं, एयरबैग की बेजिंग मिलेगी। और सेंटर कंसोल की बात करें तो सेंटर कंसोल आपको कंप्लीट जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। डिटेल में आएंगे, उससे पहले मैं आपको एक बार स्टीयरिंग व्हील और चेकआउट करा देता हूँ स्पोर्ट लाइन वेरियंट का। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये वाला स्टेयरिंग व्हील स्कॉडा में स्पोर्ट लाइन वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलता है, अदरवाइज आपको टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। स्पोर्ट लाइन की बैजिंग आएगी, स्कॉडा का लोगो मिलेगा, एयरबैग की बैजिंग यहाँ पे प्लेस की गई है। ये सारे आपके जो है वॉइस कमांड और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आपको जो है एमआईडी को कंट्रोल करने के ऑप्शन मिलेंगे। ऑटोमेटिक वेरियंट ही आता है सिर्फ, तो इसमें आपको जो है पैडल शिफ्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल में चलाना चाहें तो वो दोनों ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको सारे अपने रेन सेंसिंग वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। क्या कुछ दिखाता है उनकी चीज़ें अभी डिटेल पे आएंगे तब बात करेंगे। एक बार सेंटर कंसोल एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दोनों ही आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए गए हैं। कुछ शॉर्टकट बटन है, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप पार्किंग असिस्टेंस के लिए है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। एक बार मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है, लॉक अनलॉक करने के लिए, और इस वाले बटन से जो है आप पैसेंजर साइड सीट का जो है एयरबैग को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब भी कोई इस पे ना ही बैठा हो तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो स्लाइडेबल आपको कुछ स्पेस देखने को मिलेगी, जहाँ पे कि 12V का पावर आउटलेट दिया गया है, दो USB सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे, और नीचे आपको एक बड़ा सा वायरलेस चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कि आपको अच्छे साइज के जो है फोन्स हैं, 6.5 इंचेस के भी फोन होंगे तो आराम से आ जाएंगे इसके अंदर, अदरवाइज आप इसको क्लोज करके रख सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7-speed का DSG DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, प्रॉपर 4x lower के इसके सिस्टम के साथ आता है। यहाँ पे बैजिंग भी पढ़ सकते हैं, स्कॉडा 4x4 की बैजिंग मिलेगी। यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, स्पोर्ट और मैनुअल में चलाने के ऑप्शन है। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलेगा, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक का बटन है, ऑटो होल्ड फंक्शन आएगा यहाँ पे दिया गया, और यहाँ पे सारे मोड्स हैं। कितने मोड्स हैं एक बार ऑन करेंगे तब बात करेंगे इसकी डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कितने मोड्स आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मिलेंगे आपको इसके दो कप होल्डर्स। आर्मरेस्ट खोलने के बाद आपको कुछ इतना स्पेस मिलेगा, वैसे स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आती है, आप इस तरीके से जो है इतना आगे ला सकते हैं आर्मरेस्ट को, और अगर और भी स्पेस बढ़ाना चाहें तो आप इस तरीके से इनका होल्डर्स को जो है रिमूव कर सकते हैं। स्पेस आपको कुछ इतनी जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, कर देते हैं इसको क्लोज।
स्क्रीन की बात करें तो 9 इंच की बड़ी सी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने को मिलता है, जो कि सपोर्ट करेगा आपको वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, बिल्ट इन नेविगेशन वगैरह भी आता है, उन सारी चीजों को देखेंगे। राइट में कुछ शॉर्टकट बटन है, नेविगेशन, ऐप, कार, मेन्यू रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। लेफ्ट साइड में बात करें तो रेडियो, मीडिया, फोन और वॉइस के कंट्रोल्स मिलेंगे। तो ये मोटा मोटा ये सारी चीजें आपको सेंटर कंसोल में देखने को मिलती हैं। कुछ भी अगर रह जाए तो कॉमेंट में पूछना मत भूलना। एक बार आप इग्निशन को ऑन कर लेते हैं फिर सब चीजों की बात करेंगे। यहाँ पे सेंटर में वेलकम टू स्कॉडा, स्कॉडा का लोगो और स्पोर्ट लाइन वेरिएंट में रेड इंसर्ट्स आएंगे, थोड़ा सा स्पोर्टी फील होगा। सो स्क्रीन ऑन होने के बाद पूरा व्यू जो है कंप्लीट कुछ इस तरीके से देती है। अब बात करते हैं एक एक चीज की डिटेल में, क्या कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो आपको डिजिटल स्पीड देखने को मिलेगी, उसी के ऊपर जो है आपको नेविगेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। और एक बार मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। आउटसाइड टेम्परेचर दिखाएगा, लेन की पसिस्ट वगैरह आता है। ये जो कैमरे वाला वे सेटअप नहीं है, वो सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आता है। यहाँ पे जो सेंसर बेस्ड सेटअप है सारा, लाइट वगैरह ऑन हो रखी है इसलिए बेजिंग भी दिखा रखी है। और कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह मिलेंगी, जैसे इंडिकेटर्स वगैरह देंगे आप यहाँ से, तो आप यहाँ से देख सकते हो, इधर का देंगे तो इधर से देख सकते हो। और बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ और सेफ्टी के रिलेटेड सारे सीटों के जो है सीट बेल्ट वार्निंग्स दिखाता है, तीन ही दिखाता है, पीछे की एक बार में दिखाएगा, आगे की दोनों जो है इंडिविजुअल दिखाता है। ओडोमीटर रीडिंग्स दिखाएगा, स्पीडोमीटर की बात करें तो 260 तक की मार्किंग आएगी, और टैकोमीटर की बात करें तो 80 तक की मार्किंग है, इंटू 100 कर लेना तो 8000 हो जाएगा। यहाँ पे सारे गियर इंडिकेटर्स आएंगे, वन पेडल ड्राइव का ऑप्शन है, यहाँ पे सारे कूलेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे। सो मोटा मोटा ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक बार टॉगल कर लेते हैं, सो यहाँ पे जो आपको सारे कंपास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बस जूम आउट कर देता हूँ अच्छे से दिखे आपको। सो यहाँ पे नेविगेशन है, यहाँ पे ऑडियो, टेलीफोन के कंट्रोल्स, व्हीकल स्टेटस दिखाता है, यहाँ पे लैप टाइमर है, बैक कर देते हैं और बैक करते हैं, यहाँ पे रेंज किलोमीटर वगैरह दिखाएगा, अपने हिसाब से जो है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं स्क्रीन के लेआउट को। सेटिंग्स में चलते हैं वापस, यहाँ पे ड्राइविंग डेटा है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड, सिस्टम सिस्टम मिलेगा, क्रूज कंट्रोल, लिमिटर, इनबिल्ट नेविगेशन है, शो मैप का ऑप्शन, होम एड्रेस, अगर आप मैप देखना चाहें तो यहाँ से आप इस तरीके से मैप भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करना चाहें तो इसको बेसिकली मैप को वापस कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, फुल व्यू मैप भी देख सकते हैं। सो मोटा मोटा आपको यही सारे फीचर जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं, अच्छे खासे डिटेल्ड फीचर है। डिटेल्ड में देखना हो तो मैं एक नई LNK वाली वीडियो पिन करूंगा, आप उसमें देख लेना। यहाँ पे बात करें तो ये स्क्रीन जो है आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। सो मेन UI की बात करें स्क्रीन की, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, अच्छी खासी ब्राइट स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि आपको सबसे ऊपर दिखाएगी टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पे सारे मोड्स वगैरह दिखाती है, एक बार मोड को टॉगल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सारे मोड्स मिलेंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, स्नो, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक सेकेंड में फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड मिलेगा, इंडिविजुअल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, स्नो मोड है। सो मेनली आपको 1, 2, 3, 4, 5 मोड्स देखने को मिलेंगे, जो कि प्री सेट्स हैं, अपने हिसाब से तो आप जितने चाहें जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यहाँ पे फ़ोन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी जितने फ़ोन कंट्रोल किए थे वो सारी चीज़ें। एक बार मेन्यू में चलते हैं, मेन्यू देखें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, दिखाएगा रेडियो, टेलीफोन, नेविगेशन असिस्टेंस, मीडिया, स्मार्ट लिंक, व्हीकल, साउंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। स्लाइड करके देखते हैं, यहाँ पे दिखाएगा एयरकॉन, इमेज, मैनुअल, सेटिंग्स के कंट्रोल। सो जैसा मैं आपको बता रहा था बिल्कुल सही है, हैंड गेस्चर काम करता है, थोड़ा सा देर में काम करता है बट करता है, इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। साउंड पे करके देखते हैं, सो वो सिर्फ ऐप को जो है स्विच करने के काम में आता है। इनबिल्ट नेविगेशन देखें तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, सर्च वगैरह का ऑप्शन है। यहाँ पे ऐप रिलेटेड देख लिया हमने, कार पे देखते हैं एक बार कार में क्या क्या दिखाता है। यहाँ पे व्हीकल सेटअप दिखाएगा, एक बार पैक करने का ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स देखते हैं। सेटिंग्स में ESP है, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, लाइट, पार्किंग मोबिलिटी, अंडरग्राउंड लाइटिंग, मिरर और वाइपर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टाइम एंड डेट, यूनिट, सर्विस इंटरवल। ड्रॉप डाउन मेन्यू देखें तो कार का कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो कि दिखाएगा ऑडियो, बूट गाइड है, नेविगेशन, साउंड, यहाँ से आप जितने भी इसके ब्राइटनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो मोटा मोटा इंफोटेनमेंट सिस्टम में अंदर यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सो इंटीरियर ओवरऑल पूरा कवर हो चुका है, आइए फाइनली चलते हैं कार के बोनट पे, इग्निशन को कर देते हैं क्लोज। एमिट लाइटिंग जो है आपको फुट में भी देखने को मिलती है, इस तरीके से ब्लू लाइटिंग जो है आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से ओपन करेंगे कार का बोनट, आइए चलते हैं। अभी मैं एक बार लाइट ऑन और करके दिखाऊंगा आपको। बोनेट में जो है आपको हाइड्रोलिक स्टड देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2.0 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन,
इसके पावर की बात करें 187 bhp की पावर मिलेगी और 320 nm का टॉर्क आएगा। 13 का एवरेज मिलेगा 45 लीटर के पेट्रोल टैंक से। सिर्फ एक ही इंजन का ऑप्शन आता है, बोनेट पे इंसुलेशन दी गई है। यहाँ से फिर करेंगे आप इसमें वॉशर, एक्सटर्नल बैटरी है, कूलेंट फिल करने का ऑप्शन। कर देते हैं बोनेट को क्लोज। कार पे स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो कार पे 1 लाख किलोमीटर और 3 ईयर की वारंटी आएगी, जिसको कि आप 5 साल तक ले एक्सटेंड करा सकते हैं। सो कैसी लगी स्कोडा कोडियाक स्पोर्ट लाइन वेरिएंट के अंदर कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।